दोस्तों अभी जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं ये मेरे चैनल का मोनेटाइजेशन ऑफ हो गया है। अगर आपके साथ भी इस तरह का एरर आ रहा है, कहने का मतलब पहले मोनेटाइज था चैनल और अचानक से आपका चैनल जो है डीमोनेटाइज हो गया है, और स्क्रीनशॉट में आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे दूसरा वाला जो स्टेप है वो मेरा एरर दिखला रहा है। आपके साथ भी अगर एरर ऐसा हुआ है, मेरा क्या गलती था, मैंने क्या किया था कि एक्शन बटन मुझे आ गया था और मैंने मतलब एक दो महीने तक इसको अप्लाई ही नहीं किया। बहुत सारे केस में ऐसा होगा कि अप्लाई किए होंगे, किसी कारण बस एडसेंस का पिन जो है उनके घर तक नहीं पहुंचा होगा और वो वेरीफाई नहीं किए होंगे। इस केस में जो है इस तरह का आता है एरर जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीनशॉट में। दूसरा वाला स्टेप जो है वो आपका एरर लिख करके आ रहा है और वहां पे लिख रहा है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है वो पेंडिंग है, जिसके कारण जो है आपका मोनेटाइजेशन ऑफ हो गया है। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट डिटेल के साथ बताने वाला हूं कि आप इस तरह का एरर आने के बाद आप कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे और फाइनली आपका जो चैनल है वो फिर से दोबारा से मोनेटाइज हो जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं कि आपको दोबारा से रिव्यू प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चैनल आपका ऑलरेडी रिव्यू है, जैसे ही आप आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट करेंगे उस समय लगेगा एक दो दिन का, हो सकता है दो तीन चार दिन का समय लग जाए, लेकिन दोबारा रिव्यू में नहीं जाएगा आपका चैनल। आपका चैनल जो है आसानी से आइडेंटिफिकेशन करने के बाद मोनेटाइज दोबारा से कर दिया जाए। तो यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हाँ, एक जरूरी इन्फॉर्मेशन आपको जरूर मालूम होनी चाहिए, अगर आप आइडेंटिफिकेशन करने जा रहे हैं तो आधार कार्ड से बिल्कुल भी आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है, साफ साफ लिखा होता है वहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि जो भी आईडी आप ड्राइविंग लाइसेंस पैन कार्ड या कोई भी दे रहे हैं, पासपोर्ट दे रहे हैं, तो उसका जो फोटो है पिक्चर जो है जो मतलब वहां पे अटैच करना होता है वो प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि A4 साइज में होना चाहिए और बीच में छोटा सा एक पिक्चर होना चाहिए, ऐसा नहीं है। जो भी आपका पैन कार्ड इससे आप लगा रहे हैं तो पैन कार्ड का जो साइड कॉर्नर दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि कॉर्नर आप काट दीजिए तो वहां से भी आपको रिजेक्ट हो जाता है, ऐसा चांस रहता है। तो प्रॉपर वे में आपका पैन कार्ड में आपका फोटो, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका सिग्नेचर, अगर पैन कार्ड अपलोड कर रहे हैं तो, या फिर कोई भी आइडेंटिटी से आप कर रहे हैं तो प्रॉपर वो दिखना चाहिए, साफ साफ दिखना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए। तो आपका जो है आसानी से गूगल एडसेंस का पिन जो है आ जाएगा आपके घर पे, यानी आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। चलिए चलते हैं, आप प्रोसेस आप स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सिस्टम पे आ गया हूँ और यहाँ पे ऊपर में ही मैसेज आ रहा है, मैंने अपने यूट्यूब चैनल को लॉग इन कर लिया हूँ, यहाँ पे ऊपर मैसेज आ रहा है प्लीज साइन इन योर एडसेंस अकाउंट टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी, योर चैनल विल नॉट मोनेटाइज अंटिल योर वेरीफाई योर आइडेंटिटी। कहने का मतलब जब तक मैं वेरीफाई नहीं करूंगा आइडेंटिटी को तब तक मेरा चैनल जो है मोनेटाइज नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको कंटेंट में आता हूँ, वीडियो में आता हूँ। यहाँ पे वीडियो में जब मोनेटाइज रहता है चैनल तो यहाँ पे डॉलर का साइन आता है। देखिए मैं स्क्रॉल डाउन करके दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे देख लीजिए अब डॉलर का साइन हट गया, मोनेटाइजेशन मेरा जो है वो ऑफ हो गया है। उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ मोनेटाइजेशन सेक्शन में आता हूँ। यहाँ पे देखिए मोनेटाइजेशन सेक्शन में मैं क्लिक किया हूँ और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे स्टेप वन जो है रिव्यू पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स का वो डन है, यहाँ पे डन आपको दिख रहा है ग्रीन कलर में। और नीचे में देख लीजिए स्टेप थ्री, यहाँ पे गेट रिव्यू, ये भी कम्प्लीट है। और दूसरा वाला जो ऑप्शन यहाँ पे है वो देखिए यहाँ पे एरर करके आ रहा है। एरर में क्या बोल रहा है यहाँ पे, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड टू ऑर्डर मोनेटाइज योर यूट्यूब चैनल। मतलब कहने का अब जो है मेरा आइडेंटिफिकेशन रिक्वायर्ड हो गया, मतलब बहुत जरूरी हो गया, जब तक मैं नहीं करूंगा मेरा मोनेटाइजेशन जो है दोबारा से ऑन नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आप डायरेक्ट, उसके पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ दूसरे ब्राउजर में, मैं यहाँ पे एडसेंस को लॉगिन करके रखा हूँ। देख लीजिए यहाँ पे एडसेंस में मेरा जो है $14.30 यहाँ पे बन चुका है और उसके बाद मोनेटाइजेशन जो है ऑफ हो गया। यहाँ पे इसमें भी एक मैसेज आ रहा है ऊपर में, देख लीजिए यहाँ से डायरेक्ट आप वेरीफाई कर सकते हैं, लिखा हुआ है यू आर नो लॉन्गर शोइंग एड्स बिकॉज द वेरिफिकेशन प्रोसेस इजंट कम्प्लीट। मतलब मैंने वेरिफिकेशन नहीं किया आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है वेरीफाई योर आइडेंटिटी टू स्टार्ट शोइंग एड्स अगेन। मतलब जैसे ही मतलब वेरीफाई मैं कर दूंगा दोबारा से मेरे यूट्यूब चैनल पे एड आने लगेंगे और जो भी रेवेन्यू पहले का बना हुआ है वो भी रेवेन्यू रहेगा, इसी में इंक्लूड होता जाएगा। ऐसा नहीं कि मेरा जो रेवेन्यू है ये खत्म हो जाएगा पहले वाला और फिर से मुझे जो है वहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होगा। और एक चीज और यहाँ पे जो है ऐसा नहीं कि आप आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो दोबारा आपका रिव्यू होगा चैनल तब जाकर के दोबारा से मोनेटाइजेशन ऑन होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ से मतलब कंप्लीट कर लेंगे तो आपका जो है दोबारा से मोनेटाइजेशन को ऑन कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो है लिखा हुआ है फिक्स इन एडसेंस, मतलब यहाँ से डायरेक्ट आप एडसेंस पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे या फिर आप अगर चाहे तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। लिखा हुआ है चेंज एसोसिएशन, तो यहाँ पे मैं इससे नहीं करने वाला हूँ, डायरेक्ट यहाँ से भी आप कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे एडसेंस अकाउंट से ही करने वाला हूँ, मेरा जो एडसेंस लॉगिन है उसी से मैं करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, पॉपअप आ रहा है यहाँ पे वेरीफाई पे आपको क्लिक कर देना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आगे का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे लोडिंग होगा। देखिए यहाँ पे जो है एक रेड कलर का यहाँ पे पॉपअप आ रहा है जिसमें वेरीफाई नाउ यहाँ पे लिखा हुआ है। उससे पहले आप एक चीज ध्यान दीजिए,
आपका जो एड्रेस मेंशन है उस एड्रेस को प्रॉपर वे में मिला लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है मैनेज सेटिंग में आपको जाना है, यहाँ पे मेरा डिटेल दिख रहा है जो कि आपको हाइड मिलेगा, पब्लिशर आईडी है मेरा एडसेंस का यहाँ पे, तो यहाँ पे मैनेज सेटिंग पे जाना है। और मैनेज सेटिंग पे जाने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो एड्रेस जो भी प्रूफ आप लगा रहे हैं चाहे पासपोर्ट हो, पैन कार्ड हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो, यहाँ पे आपको एड्रेस को वेरीफाई कर लेना है। अगर एड्रेस आपका मिसमैच रहेगा तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए मेरा एड्रेस दिख रहा है जो कि मेरा एड्रेस प्रॉपर मैच है। अगर आपका मैच नहीं है तो आप यहाँ से जा करके इसको एडिट भी कर सकते हैं, एडिट करके फिर से आप सेव कर सकते हैं। तो मेरा एड्रेस जो है प्रॉपर है वो, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसे फिर से होम पे आ जाता हूँ। और होम पे आने के बाद यहाँ पे जो है फिर से वेरीफाई पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे ये जो वेरीफाई ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर दूंगा। और वेरीफाई क्लिक करने के बाद वहां पे जो रेड कलर का आया था पॉपअप वो आ जाएगा आपको। यहाँ पे सिंपली आपको वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर देना है, और वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है जो एक्सेप्टेबल है, इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड बिल्कुल भी आपका एक्सेप्ट नहीं होगा चूंकि यहाँ पे वो लिस्ट में मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे मैं बिगिन वेरिफिकेशन पे क्लिक करता हूँ और वेरिफिकेशन स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है मेक श्योर डेट योर लीगल नेम एग्जैक्टली मैच द लीगल नेम और ऑन द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। यहाँ पे नेम वो लिखना है जो कि आपके आइडेंटिटी में है, जो आपका नाम है उसी नाम को यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो यहाँ पे मैं अपना नाम को मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने नाम मेंशन कर दिया जो कि मेरे आईडी में है। यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है। यहाँ पे देखिए नहीं दिख रहा है आपको, तो इसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ से जूम इन कर देना है, मतलब जूम को कम कर देना है तो आपको दिखने लगेगा यहाँ पे जो आगे का प्रोसेस है। तो यहाँ पे मैं जूम मतलब कम कर लिया हूँ, तो यहाँ पे आपको अपलोड में जाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है आपको, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ दिख जाएगा आधार कार्ड आर नॉट एक्सेप्टेड। कहने का आधार कार्ड आपका एक्सेप्ट नहीं होता है कभी भी नहीं, जो आप पहले से जानते होंगे, शायद नहीं जानते तो आपको मालूम हो गया होगा। यहाँ पे अपलोड पे जाना है और यहाँ पे मैं पैन कार्ड से करने वाला हूँ। तो पैन कार्ड जो है आपका वो प्रॉपर विजुअल होना चाहिए, पैन कार्ड का जो भी आप आईडी डाल रहे हैं उसका जो कॉर्नर होता है वो कॉर्नर भी दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कॉर्नर को काट देंगे और आपका विजुअल नहीं रहेगा, आपका वो आइडेंटिटी में आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिग्नेचर, ये सब फोटो, ये सब प्रॉपर दिखना चाहिए। ऐसा नहीं, किसी किसी आधार पैन कार्ड में होता क्या है कि आपका फोटो नहीं रहता है, किसी किसी में आपका सिग्नेचर नहीं रहता, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आप उसी आईडी को कीजिए जिसमें आपका सारा चीज मेंशन है। यहाँ पे पैन कार्ड मेरा देखिए ये है, ये आपको जेपीईजी फाइल में करना है। तो यहाँ पे जेपीईजी फाइल में मैंने स्कैन करके पहले से रखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और ओपन पे क्लिक कर दूंगा। और ओपन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए अपलोड हो जाएगा वो। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने वहां पे अटैच किया फाइल को, तो यहाँ पे री अपलोड करके एक मैसेज आ रहा है, लिख रहा है द इमेज डेट योर अपलोडेड मे नॉट रीचेबल, प्लीज ट्राई अगेन। दोबारा से यहाँ पे नीचे लिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा है मेक श्योर डेट योर आईडी इज इन फोकस विथ नो ब्लर, मतलब ब्लर यहाँ पे शायद बोल रहा है। तो यहाँ पे मैं नीचे कुछ ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ पे शायद मुझे दिख रहा है, इसको और मैं जूम कम कर दूंगा तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। देखिए यहाँ मैंने जूम कम कर दिया, यहाँ पे लिख रहा है फिर से दोबारा से अपलोड करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अटैच है, लेकिन यहाँ से मैं नेक्स्ट कर दूंगा तो हो सकता है कि मेरा जो है वो रिजेक्ट हो जाए, लेकिन यहाँ पे जो है मैं नहीं करूंगा, इसको क्लोज कर दूंगा। तो मैं फिर से उसको स्कैन कर लेता हूँ और फिर से एक बार दोबारा से मतलब फिर से फोटो को स्कैन करके फिर से यहाँ पे अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मैं फिर से अपलोड पे जाऊंगा, अपलोड पे क्लिक करूंगा। और मैंने जो यहाँ पे पुराना वाला जो पैन कार्ड है वो पैन कार्ड में कार्ड लिखा था स्मॉल में, इसमें लिखा है सब कैपिटल, तो इस वाले को सिलेक्ट कर लूंगा। ये मैंने दोबारा से स्कैन किया है। आप प्रॉपर आपको ध्यान रखना है कि कभी भी ब्लर नहीं होना चाहिए, ब्लर रहेगा तो आपका वो वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा, और हो भी गया तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं पैन कार्ड पे क्लिक किया हूँ और ओपन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे देखिए अब अपलोड हो रहा है, आप देखते हैं क्या होता है, आगे मैसेज क्या आता है। तो देखिए अभी अपलोड हो रहा है, देखिए यहाँ पे जो है इस बार जो है कोई भी मैसेज नहीं आया है, यानी मेरा जो पैन कार्ड है वो प्रॉपर अब विजुअल हो गया है। अब यहाँ से मैं आगे क्या प्रोसेस कर सकता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, और नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एड्रेस पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे दोबारा से एड्रेस यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो मैं यहाँ पे अपना एड्रेस प्रॉपर वे में फिल कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने एड्रेस को फिल कर दिया है, और यहाँ पे नीचे सबमिट का बटन आ रहा है, यहाँ पे मैं फिर से जूम को कम कर देता हूँ तो ताकि आपको प्रॉपर दिखे। तो देखिए मैंने यहाँ पे एड्रेस मेंशन कर दिया है पूरा का पूरा, और यहाँ पे आगे सबमिट पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको एड्रेस वही डालना है जो कि आपका आईडी में जो आप अपलोड कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पैन कार्ड से किया है,
तो मेरा जो एड्रेस है मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा मेंशन कर दिया है, और यहाँ पे सिंपली आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देखिए फाइनली एक पॉपअप आ गया है वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, यानी जो मेरा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए मैंने अप्लाई सक्सेसफुल कर दिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर रेडी चेक द ईमेल, मतलब मुझे ईमेल भी मिल गया है इसके थ्रू, मतलब मैंने जो प्रोसेस किया है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए वो उसका ईमेल भी शायद आ गया होगा। यहाँ पे मैं गो इट पे क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया है। अभी फिर भी यहाँ पे देखिए लिख रहा है, यहाँ पे पॉपअप आ रहा है वेरीफाई का, तो ये देख दोस्तों ऐसी फॉल्स आ रहा है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे ना, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे जो वेरीफाई नाउ का ऑप्शन आता था रेड कलर में, वो देखिए अब नहीं आ रहा है, देखिए वो हट गया है। यानी मेरा जो वेरिफिकेशन जो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब मैं वेट कर लूंगा, चूंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, और मेरे घर पे विद इन वन वीक या फिर मतलब 15 दिन किसी को लग जाता है, किसी किसी को एक महीना भी लग जाता है, मेरे पास पिन आ जाएगा। तो वहां पे पिन डालने का भी एक ऑप्शन आ जाएगा, जिसकी मदद से मैं अपना गूगल एडसेंस का जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, मुझे अब 24 से 48 घंटे वेट कर लेना होगा। यहाँ पे अभी भी एक मैसेज आ रहा है वेरीफाई का, तो ये दोस्तों टेम्प्रोरी आ रहा है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे दोबारा से करने की कोशिश करेंगे तो आपका कुछ भी नहीं खुलेगा वहाँ पे। यहाँ पे देख लीजिए जो वेरीफाई नाउ का एक रेड कलर का ऑप्शन आ रहा था वो अब नहीं आ रहा है। और ऐसा भी नहीं कि आपका जैसे ही आप प्रोसेस कर दिए तो आपका मोनेटाइजेशन जो है दोबारा से इनेबल हो जाएगा। मैं यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल पे आ जाता हूँ, देखिए दूसरे ब्राउजर में, और यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ फिर से, और रिफ्रेश करने के बाद आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मेरा मोनेटाइजेशन देखिए अभी भी जो है ऑन नहीं हो पाया है। चूंकि जब कम्प्लीट सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा तो मोनेटाइजेशन भी जो है वो ऑन दोबारा से नहीं होता है। और मैंने यही बड़ा गलती कर दिया है कि मैंने समय रहते उसको अप्लाई नहीं किया। अगर समय रहते करता तो मेरा मोनेटाइजेशन जो अभी फिलहाल के लिए ऑफ है वो बीच में कहीं ऑफ नहीं होता। अभी जो भी रेवेन्यू बन रहा है वो रेवेन्यू मेरा जो है वो ऐड नहीं हो पाएगा। यहाँ पे देखिए मैं कंटेंट पे आ जाता हूँ, और कंटेंट पे आने के बाद यहाँ पे देखिए अभी भी जो है वीडियो के बगल में जो डॉलर आता है यहाँ पे वो डॉलर नहीं आ रहा है। तो मैं वेट कर लेता हूँ 24 से 48 घंटे का, और जब आएगा तो फिर वीडियो को दोबारा से कंटिन्यू करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं 10 मिनट बाद फिर से देखा यहाँ पे एडसेंस अकाउंट में, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। मैंने रिफ्रेश यहाँ पे कर दिया है, और यहाँ पे देख लीजिए दोबारा से रिफ्रेश किया है, और यहाँ पे जो ऊपर में एक मैसेज जो आ रहा था वो मैसेज अब नहीं आ रहा है वेरीफाई नाउ का, जो वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा था। और यहाँ पे मैं अकाउंट में जाऊँ पेमेंट में जाऊंगा यहाँ पे, और पेमेंट में जाने के बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन चेक पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है यहाँ पे लिख रहा है वेरीफाई योर आइडेंटिटी, यहाँ पे नीचे में देख लीजिए यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है कम्प्लीटेड लिख रहा है, यानी विद इन 10 मिनट के बाद ही जो है यहाँ पे कम्प्लीटेड मुझे दिखने लगा है। लेकिन वहां पे जो है अभी यूट्यूब चैनल के यहाँ पे जो है यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा है, अपडेट होने में समय लगेगा अभी 24 घंटे 48 घंटे, तो तब तक मैं वेट कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए फाइनली जो है हमारा चैनल फिर से मोनेटाइज हो गया है। कल मैंने रात 10 बजे अप्लाई किया था, मतलब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन किया था, लेकिन अभी देखिए मॉर्निंग में जब मैं उठा हूँ, और यहाँ पे देखिए कल था 5 अगस्त था, आज 6 अगस्त था यहाँ पे, और कल रात में मैंने 10 बजे के आसपास में मतलब वो अप्लाई किया था, और देखिए अभी जो है सुबह के 8 बज रहे हैं और 6 अगस्त अभी है। और यहाँ पे मैं आपको देखिए कंटेंट में जाकर दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए मैंने जो लास्ट वीडियो डाला था वो मोनेटाइज नहीं है, चूंकि वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा था मोनेटाइजेशन ऑन करने का। और देखिए पहले का जो भी वीडियो है मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके दिखाता हूँ, वो मोनेटाइज यहाँ पे है, लेकिन मैंने कल जो लास्ट वीडियो डाला था 5 अगस्त को वो मोनेटाइज नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 24 घंटा के अंदर ही जो है यहाँ पे दोबारा से मेरा जो चैनल है मोनेटाइज हो गया है। मतलब मान के चलिए 10 घंटे का समय लगा, हो सकता है रात में 2 बजे 3 बजे ही हो गया होगा, लेकिन मैं सुबह 8 बजे देख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे फिर से दोबारा से मोनेटाइज हो गया, तो यहाँ पे मोनेटाइजेशन को मैं ऑन कर दूंगा यहाँ पे और सेव कर दूंगा। देखिए तो यहाँ पे देखिए ये भी जो मेरा वीडियो है लास्ट वाला वो भी मोनेटाइज यहाँ पे ऑन हो गया, मोनेटाइजेशन ऑन हो गया। तो देख लीजिए यहाँ पे कितना जल्दी विद इन 24 घंटा लगा भी नहीं, 10 से 12 घंटा लगा और यहाँ पे मेरा चैनल दोबारा से मोनेटाइज हो गया है। और यहाँ पे चैनल के मोनेटाइजेशन सेक्शन में भी जाकर मैं आपको दिखला देता हूँ कि वहां पे क्या दिख रहा है अब, क्योंकि मैंने अभी नहीं खोला है यहाँ पे आपके सामने वीडियो में ही फर्स्ट टाइम खोल रहा हूँ। यहाँ पे उस समय दिखला रहा था स्टेप 2 एरर, लेकिन अब जाके देखता हूँ यहाँ पे मोनेटाइजेशन सेक्शन में, तो यहाँ पे देखिए अब क्या कुछ आ रहा है। देख लीजिए यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो देख लीजिए वहाँ पे जो आ रहा था पहले सारा इधर आ रहा था, और 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप दिखा रहा था वो सब हट गया है, और यहाँ पे सीधा जो आपका चैनल का जो भी होता है मोनेटाइजेशन का वो आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे शॉपिंग नया ऐड हुआ है, मेंबरशिप का है,
और सुपर थैंक्स का जो बटन होता है वहां पे वो ऑप्शन दे रहा है, मतलब वो जो एरर आ रहा था वो एरर यहां से अब जो है हट चुका है, देख लीजिए। दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हो तो आप इस तरह गलती मत कीजिए, नहीं तो आपका भी जो मोनेटाइजेशन हो डिसेबल हो जाएगा, फिर इस तरह का प्रोसेस करके आपको अप्लाई करना होगा। और बीच में जो भी दिन का गैप आएगा उसका जो भी आपका वॉच टाइम आएगा या फिर जो भी व्यू आएगा उसका रेवेन्यू आपको नहीं मिल पाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, और अभी तक आपने चैनल टेक्निकल भी आपको सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी और पर क्लिक कर दिए। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय बिहार।